तुम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गए? अभी तो 6 भी नहीं बजे। बाजी तो सुबह से इधर ही है, खड़ा इंतजार कर रहा था। अंदर आ जाओ। चलो अब आप टर्न करो उसको, यहाँ से हम टर्न करेंगे। वेरी गुड, आ रहे हो ध्यान से। अच्छा अच्छा, मैं बहुत फास्ट चलाऊंगी। नहीं नहीं फास्ट नहीं चलाना, नहीं बिल्कुल भी नहीं फास्ट चलाना, थोड़ा लाइट लाइट। ध्यान से। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी। वालेकुम अस्सलाम। लगता है तुम्हारी और आयमा की अच्छी दोस्ती होगी, मुझे लगता है बहुत तंग करेगी ये। मम्मी तुमसे मुझे बहुत अच्छी है। आपसे कम, माशाल्लाह से आयमा ने बिल्कुल तंग नहीं किया मुझे। बच्चों का कमरा देखा मैंने, तुमने बिल्कुल समेट दिया जी। और ये अलियान इधर, इसे तंग तो नहीं किया? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ट्यूटर पढ़ा के गए हैं। वाह भाई, दो ही दिनों में सबसे तारुफ हो गया तुम्हारा जी। वो फारूक सुबह से बाहर बैठा हुआ था, बाहर बहुत गर्मी है तो मैंने उसको अंदर बिठा दिया। वो तो खुशी में बाहर बैठा हुआ है, आज मुझे खाने पे लेके जा रहा है। अच्छा, किस खुशी में? हमारी सुलह हुई है ना। सुलह? क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हो रहा था? जी वो कल फूल वाली बात पे मैं उसे नाराज़ हो गई थी, फिर सारी रात कॉल करता रहा, सोया नहीं, फिर सुबह उसने मुझे मना लिया, बस इसी खुशी में बाहर बैठा रहा था। 6 बजे नहीं है, 6 बजेंगे तो मैं चली जाऊंगी। तुम जाओ, मैं घर आ गई हूँ ना, मैं बच्चों का ख्याल कर लूंगी। जनरल जी सुबह आपके सर में दर्द था, वो ठीक हो गया? तुम्हें याद है? जी मैंने सोचा आप आएंगी तो मैं तेल से आपके बालों का मसाज कर लूंगी, जब मेरे सर में दर्द होता है ना तो मेरी मम्मी यही करती है। कल कर देना, मेरे सर में हर दूसरे दिन दर्द होता रहता है। अभी तुम जाओ, ठीक है? जी ठीक है। क्या हाल है? ठीक, कैसे रहा तुम्हारा दिन? बहुत अच्छा। तुम कहाँ गए थे? जारा ने अपने और नुमान भाई की तस्वीर हटा दी अपनी वॉल से। अच्छा जन्नत, ये चोरी पकड़े जाने की पहली निशानी होती है। एक बारी यार सोना सानू दिस जावे, बल बल जावा जदों साडे वल आवे। ये लंच की नहीं कॉफी की थी, और बाकी कॉलेज भी थे हमारे साथ। पर और भी कॉलिग्स थे तो इस तस्वीर में वो क्यों नहीं है, नजर क्यों नहीं आ रही जो उसने अपनी टाइमलाइन पे लगाई है? जन्नत अली खान के शौहर के साथ वैलेंटाइन से मनाते हैं।
मेरे और उसके दिल में इतना ही चोर हो। क्या मैं ये तस्वीर सोशल मीडिया पर लगने दे? अंदर कुछ ते बाहर कुछ दुनिया ते यारो तो खये दर्द नो है बेदर्द ना समझे हर घड़ी ये सो खये अंदर कुछ ते बाहर कुछ दुनिया ते यारो तो खये। इनका बाथरूम इतना बड़ा है, बस हमारे घर को आधा कर दो। इतना बड़ा बाथरूम है और उसमें इतना बड़ा टब है, भाप वाला पानी होता है जिसमें, और फिर एक कमरा है उसमें कपड़े ही कपड़े हैं, जूते जूते, बैग्स, मेकअप का सामान, ज्वेलरी, सब फर्क। इतना सामान है उसमें, इतना सामान है कि इंसान गिनते गिनते थक जाए। हाँ, और सुनते सुनते भी। तुम मेरी बातें सुनते थक दो? तुम्हारी नहीं, तुम्हारी जन्नत जी की। इतनी भी बातें नहीं सुन के बारे में मैंने। छोड़ो ना उनके घर की बातें, तुम और मेरी बातें करना। हमारे पास है क्या बात करने वाला? तुम बेरोजगार हो और मैं किसी के घर में मेड। घर में हजार मसले लेकिन हम यहाँ बैठ के मूर्ख छोले खा रहे हैं। तुम्हें पता है मैंने जनरल जी के घर दोपहर में क्या खाया था? 6 डिशेस। हमारे दिन भी बदले, अच्छे दिन आएंगे। लोग अमीर नहीं तो होते हैं ना? होते हैं, मगर उसमें ना जिंदगियां गुजर जाती है और जवानी भी। बस पेट भर गया, चलते हैं, देर हो रही है। तुम पैसे दे रहे हो हमें? तो इतने पैसे हैं मेरे पास कि मैं मुझसे नहीं खिला सकता। बुलाओ दो पैसे। ये भाई ये पैसे ले लो। एक बार क्या तुमने उससे बात की? उसने अपनी वॉल से तस्वीर हटा दी है। तुम्हें तस्वीर से प्रॉब्लम थी, उसने हटा दी, तुम्हारा मसला हल हो गया। मेरा मसला इस बात से हल नहीं होता, मेरा मसला इस बात से शुरू होता है कि तुम दोनों के बीच में चक्कर क्या है। क्या चक्कर चल रहा है? हजार दफा तो मैं बता चुका हूं कि वो मेरी कॉलीग है। अपने जासूसों को अपना वक्त जाया ना करें। मैंने अगर तुम्हें छोड़ना होगा तो चीट करके नहीं छोड़ूंगा। बस सीधा सीधा छोड़ दूंगा। तुम मुझे छोड़ोगे? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नुमान, जब भी छोड़ना होगा। मैं एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन हूं, तुम्हारे पांव की जूती नहीं हूं मैं। जानता हूं मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि स्नेह घर में मेरा बेडरूम अलग रखना। हम दोनों अब एक कमरे में नहीं रह सकते।
दिन में मैं कई बार चेंज करती हूँ। सेट पे लोग होते हैं, स्टाइलिस्ट वगैरह जो चीज़ें संभाल लेते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि घर में तुम मुझे ये जिम्मेदारी उठाओ। इतने से कपड़े हैं मेरे पास, कुछ अच्छा है ही नहीं। हाँ सर, इतना हल्का कर दिया तुमने तो बस सुन, कितने अच्छे हाथ है तुम्हारे। आपको सुकून मिला तब बस उनको अजर। कहाँ से सीखती हूँ ये बातें? दिल बताता है जी, जब भी आपका सोचती हूँ तो दिल मुझसे बातें करने लगता है। तुम्हारा दिल मेरे बारे में बातें करता है जी? आप मेरे दिल में रहती हैं, पता नहीं लाखों करोड़ों के दिलों में रहती हैं आप। बड़ी खुशनसीब है जन्नत जी। जन्नत बाजी बुलाया करो मुझे। ये जन्नत जी क्या होता है? मुझे जन्नत जी अच्छा लगता है, मैं तो हमेशा से आपको जन्नत जी कहती हूँ। मेरे बाल समेट दो जी। मैंने कुछ कपड़े निकाल के रखे, लेती जाना। मेरे लिए कपड़े? इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी, जन्नत अली खान के पास काम करती हो तुम, अच्छे कपड़े अच्छे जूते पहना करो। कुछ हफ्ते पहले आती ना तुम तो ढेर लगा देती कपड़ों का मैं, लेकिन नए घर में आने से पहले मैंने बहुत कपड़े बांटे हैं अपने। मैं नहाने जा रही हूँ, टीम आ रही है। फारूक ने अपनी सीवी नहीं दी मुझे, उसको तो कुछ करूं। उस पता नहीं उसने मुझे भी नहीं भेजी, मैं आज घर जाकर से बात कर लेती हूँ। अच्छा लड़का है फारूक जी। ये वाला जोड़ा कितना खूबसूरत है और बिल्कुल नया लग रहा है। हाँ है तो नया, लेकिन जन्नत जी के लिए पुराना है। जन्नत जी हमारी तरह एक जोड़ा बार बार थोड़ी पहनती है, वो तो बस एक बार ही पहनती है। ए, सच? हाँ। तो सुनू, मैं ये वाला जोड़ा अपनी जहेज के लिए रख लूँ? हाँ रख लो, जन्नत जी ने कहा मुझे और भी कपड़े देंगी वो। बेटा अभी ये देखिए कितना अच्छा फिट आया ना मुझे, मिलके पहन लेंगे, कभी तुम पहने ना कभी मैं पहन लूंगी। बेटा अभी आप मुझे भी जन्नत जी के घर लेके जाए ना, मैं उनके साथ एक पिक्चर खिंचवाऊंगी और पूरे स्कूल को दिखाऊंगी। अरे पगली रुक जाओ, पहले पूछ लूं ये ना क्यों नाराज हो जाए। अम्मी कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हूँ, लेकिन एड़ी ऊंची है, एहतियात से चलना। और खुश आमदी तबस्सुम जहां में।
हमारा आज का शो है बेवफाई के बारे में। हाँ जी, आज हम बात करेंगे बेवफाई के बारे में। कि कैसे एक औरत इतनी मुश्किलों से अपना घर बनाती है पर एक दूसरी औरत आके उसका घर तोड़ने की कोशिश करती है। क्यों तोड़ती है एक औरत किसी दूसरी औरत का घर? ये औरत पागल हो गई है, पागल हो गई है औरत। मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारे और मेरे बारे में बात ना करें। मैं क्या करूंगी? मेरी फैमिली है, हम तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। पूरा पाकिस्तान इसका शो देखता है, तुम जानते हो ये क्या कर सकती है। जारा, अब भी मुझे ही सब्र करना होगा क्या? आज हमने जिन मेहमानों को बुलाया है वो सब किसी ना किसी तरह से बेवफाई का शिकार रहे। वो सारे अपने एक्सपीरियंसेस आज हमारे साथ शेयर करेंगे। और अब मैं अपनी पहली मेहमान का तारुफ कराती हूँ। वो एक बहुत अच्छी एक्टर है, आजकल एक बहुत कमाल ड्रामे में भी आ रही है, आपकी बहुत पसंदीदा है, और वो है डीना जाफरी। तस्वीर में क्या सुन रही हूँ? तुमने तबस्सुम को किसी टीवी के घर काम पर लगवा दिया? अरे आते ही नाराजगी की बातें शुरू कर दी। पहले कुछ खा पी तो लो। क्या खाऊं पीऊं? जब से फारूक ने मुझे बताया है मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि मैं उड़कर यहाँ आ जाऊँ और आकर पूछूं कि हमारे खानदान में ये रिवाज कब से हो गया कि हम अपनी बच्चियों को लोगों के घरों में काम पर लगवा दें, नौकरानियां बना दें उनकी। मैं और तबस्सुम के अब्बा कहाँ इजाजत दे रहे थे उसको? ये फारूक है ना, इसने मिन्नतें कर कर के इजाजत दिलवाई है। फारूक ने? हाँ फारूक ने, पूछना तो था ना उससे। तुम्हें रिपोर्ट तो दे दी, तो पहले हमारे सामने आके मिन्नतें क्यों कर रहा था इजाजत दिलवाने की? इसी दिन के लिए कह रही थी कि तबस्सुम और फारूक की शादी की तारीख दे दो। कब तक बच्ची को बिठा के रखोगी? एक बोझ तो कम होगा ना, और हमारे घर में जो रोकी सोकी हम खाते वो भी खा लेगी। अच्छा अच्छा, नाराजगी छोड़ो, बस कबाब खाओ। फारूक को तो घर जाकर पूछूं। सबसे ज्यादा कॉल्स जारा के नंबर से की गई है नुमान भाई को। अब या वो करती है या नुमान भाई करते हैं। इतनी सारी कॉल्स और मैसेजेस तो आपको भी नहीं की पूरे महीने में। देखें, ब्रेक के बाद आपको अपने शो में इसके बारे में बात करनी चाहिए। तहलका मच जाएगा, रेटिंग आएगी, बता रही हूं मैं आपको। दुनिया को ये बता दो कि जिसे सारी दुनिया चाहती है उसका शौहर किसी और औरत के पीछे पागल हो गया।
जन्नत अली खान में इतनी हिम्मत इतना आसरा नहीं है। देखिए रेटिंग आएगी इससे, आप मेरी बात तो समझे। सिंपति अलग और जारा के मुंह पे जो जूता पड़ेगा ना वो अलग। जन्नत अली खान का जो सर छुप जाएगा उसका क्या? वैसे तो हर चीज में रेटिंग रेटिंग कहती रहती हैं, लेकिन जब बात आई अपने घर की तो बन गई वही पुरानी रवायती औरत। नहीं तो तुम मुझे बताए बगैर गाड़ी क्यों लेके गए? तुम्हें पता नहीं जन्नत जी ने कहा है कि बच्चों की गाड़ी मुझसे पूछ के जाएगी। बाजी आपको बताने के लिए मैंने चौकीदार को भेजा तो था। अब मैं पेट्रोल डलवाने के लिए जा रहा हूँ। अगले 2 मिनट में तुम यहाँ पहुंचो, मुझे बच्चों को बाहर लेके जाना है। जी अच्छा। जन्नत बाजी से ये जोड़ा मैंने अपनी बेटी के लिए मांगा था, उन्होंने आपको दे दिया। हाँ तुमने अपनी नजर इस जोड़े पे रखी हुई है। किचन में जाओ अपना काम करो, जन्नत जी आ रही, उनको सूप चाहिए आज। जी जी मिल जाएगा सूप, वक्त में मिल जाएगा। अस्सलामुअलैकुम नमान भाई। वालेकुम सलाम। आपके लिए चाय भिजवा दूं? हाँ। क्या हुआ? हमारी फोन कंपनी का रिकॉर्ड है, अब कह दो कि ज़ारा तुम्हारी कलीग है, तो ये कह दो कि वो तुम्हारी बहन है। मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि मैं किसी औरत से बात भी नहीं कर सकता? किसी और औरत से रात के 2:30 बजे 2-2 घंटे बात करना गुनाह है रोमा। मेरे लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते थे। मेरे पास 10 मिनट नहीं तुम्हारे? हाँ नहीं 10 मिनट मेरे पास, और दूसरों के लिए 2-2 घंटे निकल आते हैं। हाँ तुम्हें कोई भड़का रहा है मेरे फोन? हाँ, और भड़काने वालों में शामिल है तुम्हारे फोन कंपनी के रिकॉर्ड रखने वाले, है ना? झूठ बोलना बंद करो नमान, दिस सच बताओ, क्या रिश्ता है तुम्हारा? आहिस्ता बात करो, और अगर नहीं कर सकती तो कमरे में चल के बात करते हैं। नौकरों के सामने तमाशा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा नहीं लगता आस्तर। मुझे कुछ नहीं छुपाना किसी से, मैं जो बात करूंगी यही करूंगी, इसलिए सच बोलो कि तारा क्या लगती है तुम्हारी? सारा मेरी कुछ भी नहीं लगती, कुछ भी नहीं लगती। मैं कितनी बार तो फिर ठीक है, मैं अपने शो में तुम दोनों का नाम नहीं कहूंगी कि मेरे शौहर की एक नई बहन बनी, बल्कि ऐसा करूंगी कि तुम दोनों को शो में बुलाऊंगी मैं और कहूंगी कि ये देखो ये मेरा शौहर है और ये उसकी बहन है। तुम आओगे ना फिर अपनी बहन के साथ मेरे शो में नुमान? आखिर आप एक मॉर्निंग शो होस्ट हैं, घरेलू मामला के पब्लिकली तमाशा बनाने का शौक है आप लोगों को।
लेकिन अगर आपने इस बात का पब्लिकली तमाशा बनाया, मैं आयला के शो पे जाके लाइव आपको तलाक दे दूंगा। जी पानी पीला, ये इज्जत है मेरी इस मर्द के सामने? ये इज्जत है? चन्ना जी, आप मेरे दिल से पूछेंगे आपको क्या रुतबा है, क्या है? दुनिया के रुतबे से उस औरत का कोई सरोकार नहीं होता शोहर इनकी नाकद नहीं करता। बस अब मैं बता भी नहीं सकती कि किस तकलीफ और डर से गुजर रही हूं। चन्ना जी थोड़ा सा पानी पी लें, तबीयत खराब हो जाएगी। बस मिल जाने जन्नत कमाना खये अंदर कुछ ते बाहर कुछ दुनिया ते यारो तो खये दर्द नो बे दर्द ना समझे हर घड़ी ये सो खये अंदर कुछ ते बाहर कुछ दुनिया ते यारो तो खये। मैं चन्ना जी को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती, मैं आज रात यहीं रुकूंगी। लेकिन मैं खाला खालू को क्या कहूंगा, आप उनसे बात कर लो। मुझे इजाजत नहीं देंगे, तुम कोई बहाना करो ना। तुम तो मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो ना फारूक। हाँ लेकिन ये ठीक नहीं है। तो बस तुम रातों को भी यहाँ पर आ करोगे? नहीं, रोज रात को नहीं। अब उन्हें इस तकलीफ में छोड़ के तुम नहीं जा सकती ना। तुम्हें तो समझना चाहिए फारूक, तुम तो मुझसे प्यार करते हो। अब सोचो अगर मैं जन्नत जी की जगह होती और तुम मेरी जगह होते तो ऐसे ही छोड़ देते मुझे? नहीं ना। अच्छा ठीक है, फारूक को भेज दिया। मैं आपके पास रहूंगी, मैं आपको इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं कहेंगे? मुझे परवाह नहीं है फारूक।
अपमान किया तुम्हारे यहाँ रहने पर। उसे तो मैंने अपनी कसम दी थी, जब अपनी कसम देती हूँ तो वो सब कुछ कर लेता है। ये जोड़ा बहुत खूबसूरत लग रहा है तुम पे। ये आप ही का जोड़ा है, आपने दिया है। अच्छा, पता ही नहीं चला, इतने जोड़े पहनती हूँ याद ही नहीं रहता। लेकिन ये लग रहा है कि तुम्हारे लिए ही बना था। नहीं, मैं आपके कदमों में बैठूंगी, आपके पैर भी दबा देती हूँ, सुकून मिलेगा। मेरी किस्मत में सुकून कहाँ है? नमान भाई ने बहुत गलत किए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे बस में होता ना तो मैं उस औरत की आंखें नोच लेती। हमेशा दूसरी औरत की आंखें क्यों नोचते हैं? उस मर्द की आंखें क्यों नहीं नोचनी चाहिए जो दूसरी औरत पड़ती है? वो आपकी चीज पर डाका डाल रही है, उसका ज्यादा कसूर है। उससे ज्यादा कसूर उस डाकू का है जो घर का बेदी था। मुझे समझ नहीं आ रहा, ममान भाई को कोई और लड़की कैसे अच्छी लग सकती है? आपके आगे तो कोई अच्छा लग ही नहीं सकता। लाखों करोड़ लोग आपका मॉर्निंग शो देखते हैं हर सुबह, वो सब पागल हैं आपके पीछे। नुमान भाई को उनको देखना चाहिए। बस सुन, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? आपकी जगह कैसे हो सकती हूँ? सोच लो, तुम मेरी जगह हो, फारूक नुमान की जगह है, वो बेवफाई कर रहा है, तुम दोनों के दो बच्चे हैं और दुनिया के सामने तुम लोगों ने एक परफेक्ट जिंदगी का ताजमहल बना के रखा है, तुम क्या करती? फारूक मुझसे बेवफाई कर ही नहीं सकता। आपको फारूक का नहीं पता जी, जाओ अब। मैं अब ठीक हूँ, मैं ड्राइवर को कहती हूँ तुम्हें घर छोड़ देगा। आखिर आप एक मॉर्निंग शो होस्ट हैं, घरेलू मामलात के पब्लिकली तमाशा बनाने का शौक है, लेकिन अगर आपने इस बात का पब्लिकली तमाशा बनाया तो मैं आयला के शो पे जाके लाइव आपको तलाक दे दूंगा।